आरडी शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12th चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम्स एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। द वैल्यू ऑफ सी इन रोलेस थ्योरम व्हेन एफएक्स ये दिया हुआ है आपको और एक्स आपके किसके बीच में है 1/3 और 3 के बीच में है साहब, इसके बीच में हम करने की कोशिश करेंगे। अब करना क्या है आपको कि ये जो इसके बीच में चीज आती है वो बतानी है और रोले थ्योरम वेरीफाई करना है। रोले थ्योरम देखिए पहली चीज ये है कि ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल क्या होता है आपका पहले तो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनल हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। आपके पास ये एफ एक्स है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ यानी कि मैं एफ डैश एक्स करता हूँ डायरेक्ट। ये 2x³ है तो क्या बनेगा 2 और यहाँ पर बनेगा 3x², ये बनेगा 5 × 2x - 4 यानी ये बना आपका 6x² - 10x - 4। तो एफ डैश एक्स है, अपने सी माना है, सी मांगा है तो हम इसको सी कर देते हैं। ठीक है साहब, अब एफ डैश सी जो है वो आपका जीरो होना चाहिए तो इसको जीरो कर देते हैं, ये वाला जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं सबको पहले मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बनेगा 3² - 2 5 5 c और -2 = 0 ये बन गया। अब ये 3 और 2 है, 3 × 2 = 6 ये 5 बनेगा तो 3c² - 6c + c - 2 ऐसे बन सकता है। तो 3c ले लेते हैं, c - 2 बन गया यहाँ पे और यहाँ पर भी +1 बाहर ले लेते हैं c - 2 = 0 तो c - 2 × 3c + 1 = 0 इसको 0 करेंगे तो c = 2 आ गया और यहाँ से c = -1/3। अब देखिए इसके बीच में क्या आ रहा है, ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे लूँ ये 1 ये 2 ये 3 तो 3 तो ये हो गया 1/3 करीबन इसके बीच में कहीं आएगा, यहाँ मान लेते हैं इसको मतलब 1/3 इधर कहीं आएगा तो हमारे पास आया 2 इनके दरमियान आता है मतलब इसके दरमियान आता है यहाँ पर है 2 तो हम लेंगे 2 तो उत्तर इसका होगा 2। क्लियर, अब इसको क्या करते हैं मैं आपको इसका सोल्यूशन जरूर दिखाऊंगा क्योंकि हमेशा कोशिश मेरी ये रहती है कि आप जाने आपको लिखना कैसे है इसको परफॉर्म कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हेन द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x log x इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमारे पास ये फंक्शन है y बराबर, यहीं से शुरू कर देते हैं, x log x। अब आगे की बात हम तब करेंगे, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि अगर मैं इसको dy/dx करूंगा तो यही मेरा स्लोप होता है, यही मेरा m होता है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मैं जी, ये जो अगर इस फंक्शन को मैं y या fx कहूं तो मैं आपको f'x बता रहा हूं, ये f'x निकाल रहा हूं तो पहले x लेंगे log x का 1/x प्लस log x x1 हो जाएगा तो इसका मतलब 1 + log x ये आपका डिफरेंशिएटेड आ गया। और जैसे मैंने बताया dy/dx यानी कि ये स्लोप के बारे में बात हो रही है। अब इन्होंने कहा पैरेलल है, ये जो है इसका जो टेंजेंट है ये मतलब जैसे ये कर्व है ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर जो एक टेंजेंट बनाई है आपने वो ऐसे लाइन के पैरेलल है जो इन दोनों से गवर्न होती है यानी इन दोनों का स्लोप सेम है। तो dy/dx इसका निकाल चुके हैं, चलिए इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकलता है y2 - y1 / x2 - x1 अगर हमें x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, ये x1 y1 ये x2 y2 तो क्या हम करेंगे y2 - y1 यानी कि e - 0 / e - 1 यानी कि हो गया e/e - 1 ये आपका m हो गया, स्लोप हो गया। अब पैरेलल है तो इसका स्लोप और ये दोनों बराबर हम कर देंगे। ठीक है साहब, तो e/e - 1 बराबर हो गया आपका 1 + log x, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इस 1 को यहां ले आते हैं तो e/e - 1 - 1 = log x बनेगा e - e + 1 / e - 1 = log x ये कैंसिल हो गया और इससे हमको x निकालना, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 1 / e - 1 e - 1 = log x। अब देखिए अगर मैं लिखूं log बेस a b बराबर से c तो इसका मतलब होता है a^c = b, ये तो आपको पता है log का ये रूल होता है। तो क्योंकि इसका बेस e है तो ये इसके ऊपर जाएगा यानी कि e^ हो गया ये 1/e - 1 और ये हो गया log x, ये log x नहीं e^e - 1 = x तो ये आपका इस तरीके से आ गया। ठीक है जी, ये समझ गए होंगे आप। अब मैं कोशिश ये करता हूं आपको कि मैं क्लियर करके बता दूं क्योंकि उत्तर तो आपको देख ही रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाला तो करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ, लिखना कैसे है बेसिकली। ठीक है जी, ऐसे कर लेंगे आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं हम। द वैल्यू ऑफ सी इन रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स
बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई ई टू द पावर एक्स डिफाइंड बाय माइनस वन जीरो। अब इसमें भी यही करना है आपको, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन करके इसको जीरो रख देंगे, जीरो जो आएगा उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो रूट्स आएंगे वो देखना है कौन सा इसके बीच में आता है माइनस वन और जीरो। तो देखिए ये बात कर रहे हैं आप माइनस वन और जीरो के बीच, इसके बीच में क्या आएगा, तो इसको फटाफट किया जाए क्योंकि बाकी चीजें आप अच्छे से समझते हैं। हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मैं ये जो एफ एक्स है इसका एफ डैश एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन यहां लिख के बता रहा हूं आपको। तो हम इसको करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये ऐसे करते हैं, ये ई की पावर एक्स है तो ये ई की पावर टू एक्स हो जाएगा, यानी कि ई की पावर एक्स का स्क्वायर है ना वह की पावर टू एक्स होता है। ई की पावर एक्स को हम ऐसे लिख देंगे, ई टू द पावर एक्स ऐसे लिख देंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। अभी ऊपर क्या है एक्स इंटू एक्स प्लस वन, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x प्लस वन, यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस वन। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को ऐसे लिखेंगे, यानी कि आप इसको x x प्लस वन भी लिख सकते हैं, और e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि यही आएगा। अब e की पावर x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से e की पावर x हट जाएगा, इसका मतलब क्या है e टू द पावर 2x का मतलब क्या है e की पावर x इंटू e की पावर x, यही तो है, ये बाहर लेंगे तो ये एक कट जाएगा, तो बचा क्या आपका 2x प्लस वन माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय ई टू द पावर एक्स, और ये आपका एक इक्वेशन बन रही है इसमें। अरे ये माइनस था जी, माइनस था ना, ये माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये गलती हो गई, माइनस है यहाँ पे ना, क्योंकि हम जब पी बाई क्यू फॉर्म करते तो माइनस आता है। अब इससे क्या बना आपका टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया टू एक्स माइनस एक्स हो गया एक्स, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ प्लस वन यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका एफ डैश एक्स चल रहा है जी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स। मैं इसको एफ डैश सी मान लूँ, ये इसको बराबर जीरो करेंगे, यानी कि माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस वन बाय ई टू द पावर सी बराबर जीरो। ठीक, अब देखिए ई एक नंबर है ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी यहाँ ले जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली यही ऊपर वाला ही जीरो होना चाहिए, ये ऊपर जीरो होना चाहिए, यानी कि अब पहले तो मैं आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड को माइनस वन से, क्योंकि मुझे माइनस नहीं चाहता यहाँ पे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे सी स्क्वायर माइनस सी और प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी माइनस वन बराबर सी। अब इसमें कुछ बनेगा तो है नहीं जी, तो इसको आपको श्रीधराचार्य से करना पड़ेगा, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए प्लस माइनस, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे। इसमें ए बी सी बता देता हूँ, ए आपका वन है, बी आपका माइनस वन है और सी आपका माइनस वन है। तो जब ये करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बता देता हूँ आपको, वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू, यानी कि आपके पास दो रूट आ गए, एक प्लस रूट फाइव बाय टू और वन माइनस रूट फाइव बाई टू। अब देखिए वन प्लस रूट फाइव बाई टू ये तो सीधा इसके बाहर चला गया, तो ये तो हो नहीं सकता, आपका वन माइनस रूट फाइव बाई टू करेंगे तो ये इसके नीचे आएगा यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये उसका उत्तर आएगा, तो वन माइनस रूट फाइव बाई टू यही आपका उत्तर हो गया। अब इसको देख लीजिए सिलसिलेवार तरीके से, हाउ टू डू इट स्टेप वाइज, इसका सोल्यूशन देख लीजिए ऐसे होगा। द वैल्यू ऑफ सी इन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस टू व्हेन एक्स बिलोंग्स टू वन कॉमा टू, ये तो बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, बस यहां पर हम मीन वैल्यू मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे आपका, या मीन एमवीटी कह सकते हैं इसको। देखिए साहब फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स, ये एक्स इंटू एक्स माइनस टू, इसको ज्यादा बेहतर है आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिख दे। ठीक, अब आप देखिए ये आपका पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हो गया, ये कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी सी जो इसके बीच में आती होगी, जहां पर एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। अब फंक्शन नॉर्मल फंक्शन जो एफ एक्स है उसमें एफ बी निकालते हैं, एफ बी ए ये है बी ए है, यानी कि यहाँ पर एफ टू माइनस एफ वन बाय टू माइनस वन निकालेंगे, तो एफ टू पहले निकाल लेते हैं, ये क्या बने आएगा टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, और एफ वन निकाल लेते हैं वन स्क्वायर माइनस टू, यानी कि ये आपका आ गया जीरो, ये आपका आ गया माइनस वन। अब इसको इसमें रख देते हैं, एफ बी क्या है एफ टू, एफ टू यानी कि जीरो माइनस ऑफ माइनस वन और डिवाइडेड बाय बी माइनस, यानी कि टू माइनस वन तो वन ही हो गया, तो बेसिकली ये बनना माइनस माइनस प्लस वन बना, ये प्लस वन आ गया, ये किसके बराबर करना है आपको एफ डैश एक्स के बराबर, यानी कि एफ डैश सी या एक्स जो भी आप बोले ये डिफ्रेंसिएशन इसका करके हम बराबर कर देंगे। तो मैं डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ इसका टू एक्स माइनस टू, और किसके बराबर रखना है एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस यानी कि प्लस वन के बराबर, तो टू एक्स आ गया आपका थ्री के बराबर, एक्स बराबर आ गया थ्री बाय टू, ये होता है वन पॉइंट फाइव, आप वन और टू देख लीजिए, वन और टू का हाफ ही होता है 1.5 यानी कि ये, तो आपका x बराबर 3 बाई टू आ गया, 3 बाई टू 1 बाई टू के बीच में लाई करता है। तो तरीका ये होगा, लेकिन लिखना ऐसा नहीं होगा, मैं तो केवल आपको लॉजिक क्लियर करता हूँ कि भाई हाउ टू गो अबाउट इट, बट तरीका ये होता है एक एक चीज़ इसमें लिखना
और समझाना एग्जामिनर को जरूरी पड़ता है। द वैल्यू ऑफ सी इन रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x इन द इंटरवल 0 to √3। अब आप देखिए ये ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एफ एक्स ये है, फटाफट यहाँ पर मैं आपको एफ डैश एक्स बता देता हूँ, ये हो गया 3x² - 3, यानी कि ये अब सी से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 3c² - 3 अभी किसके बराबर होगा, जब इसको जीरो रखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर जीरो, तो सी वही वाली होगी जो इसके बीच में आएगी, तो आप इसको सीधा जीरो के बराबर रख दीजिए, तो आपका क्या आ गया 3² = 3, c² = 1, c = +-1। अब बस देख लीजिए इस इंटरवल में जीरो से लेकर जीरो, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। अब प्लस माइनस वन आया, इसके बीच में वन आ जाएगा, माइनस वन तो आ नहीं रहा है, तो माइनस वन को आप दरकिनार कर देंगे और प्लस वन को ले लेंगे, यही इसका उत्तर है। अब इसको मैं यही दिखा देता हूं आपको करना कैसे, ये इसका तरीका होगा, लिखने का सारा जो कार्य है वो मैंने आपको दिया है, समझाने का काम मेरा। ओके, हमने काम बांट लिया ना दोनों भाई ने, अच्छा रहा। यहां पर है एफ एक्स बराबर e^x sin x और ये जीरो से पाई के बीच में, आपको रोलेस थ्योरम के हिसाब से बताना है ये सी क्या हो। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ ये e^x sin x, एफ डैश एक्स निकालते हैं, हमें पता है रोले थ्योरम में सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप इसको, इसको इस तरीके से करोगे e^x sin x का होगा cos x, फिर sin x यहाँ लिख दीजिए, e^x का e^x हो जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम चाहे तो ये e^x को बाहर ले लें और ये हो जाएगा sin x + cos x। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब हम इसको बराबर करेंगे रोले थ्योरम में जीरो के बराबर, तो हम ये सी ले लेंगे, यानी कि e^c हम f'c को बराबर जीरो कर लें, वो तभी तो c निकल के आएगा इसके बीच में, तो ये हो गया e^c cos c + sin c, आगे पीछे हो गया ये, वैसे ऐसे लिखना था, कोई बात नहीं, बराबर जीरो। अब ये e तो एक नंबर होता है, आपको पता है ना, ये एक प्रॉपर नंबर है, तो जीरो तो हो नहीं सकता है। cos x प्लस साइन सी बराबर जीरो हो गया, यानी कि ऐसे साइन सी बराबर हो गया माइनस cos c, बेटर ये है दोनों साइड आप साइन सी से डिवाइड कर दो, tan c बेहतर रहेगा, तो दोनों साइड मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन सी से, नहीं cos c से कर दे, cos c से डिवाइड कर, तो tan c बराबर हो गया -1। अब आप देखिए ये कब होता है, जब c क्या होगा 3π/4, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पिछले डिस्कशंस में, क्लासेस में, ग्रेड्स में सब डिस्कस कर चुके, तो अगर आप थोड़ा रिविजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये -1 कब होगा। एक हिंट देता हूँ, tan 45° बराबर 1 होता है, और ये जो है 180 - अगर आप करेंगे तो आपको नेगेटिव आता है, बस इतनी हिंट मैं दे सकता हूँ आपको। तो अब आप देखिए ये जीरो से पाई के बीच में क्या क्या है, जीरो से 180° के बीच में क्या है, बस ये आपको देखना है। अब आप क्लियर देख रहे हैं कि ये तो 180° के बीच में नहीं है, ये 3π/4 जरूर है, बीच में नहीं है लेकिन यहाँ पर है करीब इस जगह पे। तो अब आपका सी आ गया 3π/4, हमने इसको दरकिनार कर दिया, आगे भी आएंगे कई जगह पे tan c बराबर -1 होता है, तो आप पाई प्लस का पाई इसमें पाई प्लस प्लस करते चलो तो आपको सारी वैल्यूज -1 मिलती रहेंगी। तो 3π/4 हो गया ये, c बराबर 3π/4, और ये आपके इस ये आ गया जो कि 0 और पाई के बीच में लाई करता है। करना कैसे है इसको भी आप देख लीजिए, ये आपका तरीका होगा लिखने का। चलिए साहब, ये बात होती है आपके आरडी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम। थैंक्स के साथ ये आपका एमसीक्यू खत्म होता है, धन्यवाद।